उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब से मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि मुझे इंजीनियर बनना है। मतलब सारे ऑप्शन थे पर सोच रखा था कि क्योंकि मैं गणित में बहुत अच्छा था, हर बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 नंबर कैसे लाने वो मुझे बहुत अच्छे से पता था। तो एक लक्ष्य था इंजीनियरिंग करनी है, मुझे IIT करना है। जब मैं 10th पास करी, 10th में भी मेरे अच्छे नंबर आए, कोटा एडमिशन लिया मैंने IIT के लिए। थोड़ा स्ट्रगल था, मैं हिंदी मीडियम से था, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी मिलेंगे आपको, थोड़ा सा कभी ऐसा भी फील होगा कि डीमोटिवेट हो रहे हैं, मैं कैसे कम्पीट करूँ मैं इन लोगों के साथ, पर आपको अपनी तैयारी कंसिस्टेंट रखनी है, धीरे धीरे सब होता जाता है। उसके बाद मैंने अपनी तैयारी करी, अच्छी जगह मेरा 2-3 एग्जाम में अच्छा सिलेक्शन भी हुआ, VIIT EEE करके एग्जाम होता था, तो उसमें मेरी 5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, मेरी 800 ओलंपिया रही थी, तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया। मैं यहाँ पे और अभी शुरुआती दौर में मैंने बैंक ऑफ अमेरिका एक अमेरिकन बैंक के उससे स्टार्ट किया था करियर। अभी मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, जो हम मेनली एरोप्लेन के सारे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हवाई जहाज से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, 50 से ज़्यादा कस्टमर्स के लिए हम काम करते हैं, तो वो सारा काम मैं आज की डेट में देखता हूँ। उसी के साथ मैंने कई सारे नए सर्टिफिकेशन किए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड, डेटा एनालिसिस, जो आज की डेट में ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, उन सब में नई नई चीज़ें सीखी, सर्टिफिकेशन किया और कंटिन्यूसली अपना फील्ड चेंज किया। प्राइवेट सेक्टर में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको हर हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब भी आप चाहोगे मुझे नए फील्ड में जाना है आपके पास ऑप्शन है। तो मैं सब आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर से कहीं भी कमतर नहीं है, हमेशा कॉम्पिटिशन मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। जब आप रोज़ नई नई चीज़ें सीखोगे देखोगे तो आप उसी स्तर पर अपनी प्रोग्रेस करते जाओगे। तो आपको हमेशा सीखने का माइंडसेट रखना है, ये नहीं सोचना है कि मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, मेरा सैलरी बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि बस आप अपनी लर्निंग को रोक दें। रोज आपको सीखना है, अगर आप सीखते रहोगे तभी आपकी प्रोग्रेस होगी, नहीं तो आप जिस जगह हो वहाँ तो रहोगे पर अगले पायदान पर नहीं जा सकते। दूसरी, जो बच्चे अभी 10वीं क्लास में पास हुए हैं, मैं बस उनके लिए सारे ऑप्शन खुले हैं, मैं बच्चों को बस ये बताना चाहूँगा कि क्या मैंने गलतियाँ करी अपने करियर में, वो गलतियों को आप ना करें तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। पहला तो आपका गोल क्लियर हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे 2 साल बाद आपको क्या करना है, 3 साल बाद क्या करना है। अगर आपने लक्ष्य अभी से डिसाइड कर लिया ना, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, UPSC के लिए जाना है या एयरफोर्स में जाना है, तो आपको वहाँ पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता, ये चाहे आप लिख के रख लो, क्योंकि अगर आपने अपना गोल डिसाइड किया ना तो कंटिन्यूसली धीरे 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 आपको उसी डायरेक्शन में मेहनत भी करनी है। सबसे पहले तो अपना गोल आगे डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है, अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है इतने सारे लोग हैं इनसे पूछो समझो फिर उसके बाद डिसाइड करो। आपने गोल भी डिसाइड कर लिया, अब आपको उसके उस पर मेहनत करनी है। दूसरी चीज, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कॉम्पिटिशन में, मैंने IIT की तैयारी करी है और मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि IIT का कॉम्पिटिशन कितना टफ होता है, किस तरह की तैयारी होती है, क्या परेशानियाँ आती है। हमारा एक शेड्यूल होता है, हम रोज का अपना शेड्यूल बनाते हैं कि दिन में मैं ये पढ़ूंगा, कल ये पढ़ूंगा, परसों ये पढ़ूंगा, पर हम रिवीजन करने का शेड्यूल नहीं बनाते हैं। मैं हमेशा रोज की पढ़ाई तो रोज करता था बट मैं पुरानी चीजों का रिवाइज कब करूंगा उसका मेरे पास कोई शेड्यूल नहीं था। तो जब एग्जाम का टाइम आया तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि इस एक महीने में मैं क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, क्योंकि मैं नया नया तो पढ़ता गया पर मैंने रिवीजन का शेड्यूल नहीं बनाया। तो आप अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, उसके साथ साथ रिवीजन का शेड्यूल भी बनाओ, वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। तीसरी गलती जो मैंने ये करी है कि गणित में मैं हमेशा पूरे नंबर लाया हूँ, चाहे वो 10वीं एग्जाम हो, 12वीं हो या मेरा इंजीनियरिंग में, पर मैं क्या करता था, पढ़ के याद रखता था, पढ़ लेता था और उससे मुझे याद रहता था। मैं सब बच्चों को ये बोलूँगा कि 10वीं से आप लिखने की प्रैक्टिस करो, कोई भी मैथमेटिक्स की पढ़ाई करता है फॉर्मूला लिखो, एक बार नहीं 10 बार लिखो, अगर आप चीज़ को लिखोगे तो आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी और आपको उसमें हमेशा वो आपकी हेल्प करेगा जो मेरे को मेरे अंदर कमी लगती है। तो आपको पढ़ने के साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। दूसरी चीज मैंने बताई कि आपको गोल रखना है, अपना रिवीजन का शेड्यूल भी बनाना है, और तीसरी सबसे बड़ी चीज है, अगर आपको 12वीं में आप जैसे IIT नीट की तैयारी करो, अपने जैसे सारे बच्चे मिलते हैं और अगर आपको लगता है कि वो बच्चा आपकी पढ़ाई में हेल्प कर सकता है तो आप ग्रुप स्टडी भी करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, 1 घंटे की मुझे पढ़ाई करनी है, तो उसमें अगर आप ग्रुप स्टडी करोगे 4 चीजें वो बच्चा पढ़ेगा,
तो एक कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें मुझे लगता है पढ़ाई के साथ साथ ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी आपका फोकस क्लियर है तो वो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या फोकस है, आप आसानी से कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वेरी गुड, धन्यवाद गोपाल जी। एक मिनट अभिनंदन के आदरणीय भूषण जी भाई सबके साथ। भाई गोपाल ने बहुत अच्छी बात बताई, आपने ध्यान दिया होगा तो उन्होंने